हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परविंदर कौर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू गेट बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। तुसी मेरी वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सपोर्ट मी। सो आईएलटीएस राइटिंग टास्क टू वोकैबुलरी ऑन द टॉपिक ऑफ रोट लर्निंग। सो क्वेश्चन इज मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय frequent repetition, namely rote learning, play a role in many education systems. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? So इस तरीके का कोई तुम टॉपिक आवे तुसी वोकैब यूज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सो रोट लर्निंग नू तुसी लिख सकते हो रेपिटेशन, मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, मगिंग अप। तुसी इहदे जगह ते ही लिख सकते हो। प्रोपिटीशियस हुंदा एडवांटेजेस, रिस्ट्रेन नू तुसी कह सकते हो डेटर, अवर्ट मीन्स स्टॉप करना, रोकना। फॉर एग्जाम्पल क्रैमिंग, क्रैमिंग मीन्स रॉट लर्निंग। क्रैमिंग रिस्ट्रेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। मतलब कि जिहड़ी रोट लर्निंग है वह रोकती है स्टूडेंट्स नू अपने डेवलप करन लई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कंप्रीहेंड नू तुसी अंडरस्टैंड कहिंदे ने। इल प्रिपेयर्ड नू कहिंदे आ नॉट रेडी, मतलब कि जे बच्चे नॉट रेडी होन। और तुसी कह सकदे हो प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। मोनोटोनी मीन्स हुंदा है बोरिंग, टेडियस, टेयरसम। मोनोटोनीज रूटीन कहने ना उमें बोरिंग रूटीन्स। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल रेपिटेटिव लर्निंग मेक्स स्टडी मोनोटोनीस मीन्स बोरिंग। शॉर्ट कमिंग्स होंगे या ड्रॉबैक्स। कॉर्नर स्टोन तुसी कह सकते हो फाउंडेशन की अनइम्पॉर्टेंट फीचर, उन तुसी कह सकते हो कॉर्नर स्टोन। क्यूरीकुलम कहिंदे सिलेबस नू। रिटेन कहिंदे टू मेमोराइज। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट मी।